पुलिस स्टेशन में फिरा जी राजू मारोत्रा तलार करके उन्होंने रिपोर्ट दी, उनकी बेटी जो है प्रिया, इसकी शादी हुई थी एक मनोज बेले करके, लेकिन पिछले एक साल से उनका आपसी तनाव चल रहा था, इसकी वजह से उनकी बेटी, अपने दोनों बच्चे हैं जिसका बड़ा बेटा प्रिंस और छोटी बच्ची तनिष्का को लेकर अलग रहती थी और उनका मैटर चल रहा था, लेकिन बीच बीच में लड़के अपने पिताजी से मिलने यहाँ पर आते थे वैष्णोदेवी नगर में। कल उसी तरह उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अपने पिता के पास आकर छोड़े थे। शाम हुई लेकिन बच्चे वापस नहीं आए, इसलिए ये जो राजू तलार है उन्होंने जाकर देखे तो उनको दिखा कि उनका दामाद ने फांसी लेकर रखा हुआ था, तो तुरंत अंदर गए और उसको वहाँ से छुड़ाए। बाद में दिखा कि दोनों बच्चे प्रिंस और तनिष्का फांसी में पड़े, कुछ हलचल नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उपचार के लिए दोनों को मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर ने चेक करके तनिष्का को मृत घोषित किया और प्रिंस का इलाज चल रहा है। फिरियादी के रिपोर्ट के ऊपर ने फिरियादी राजू इन्होंने दिए हुए रिपोर्ट के अनुसार अपने अपराध क्रमांक 20/23 कलम 302 भानवी के अनुसार गुना रजिस्टर किया है। फिलहाल तपास चल रहा है। आरोपी मेडिकल शॉप में गैरेज की दुकान में मैकेनिक के रूप पर काम कर रहा था। इनका पिछले लगभग एक साल से जनवरी 2022 से इनका मैटर चल रहा है, तभी से वो उनकी जो मिसेस है वो अलग रहती है बच्चों के साथ। जो छोटी बच्ची है वो तो एक्सपायर्ड हो गई और बच्चे का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ICU में वो एडमिट है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल ही है। रीज़न वही है कि वो दोनों अलग रहते थे और बीवी साथ में रहने को आती नहीं है, इस वजह से हो सकता है। फिलहाल तहकीकात चल रही है, आप श्योर भी बोल नहीं सकते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।